जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान सराय आलमगीर के हेड ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं आज की मेहमान शख्सियत राजा हबीबुर रहमान साहब, जो के सदर हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान सराय आलमगीर के। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपने ये जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का सफ़र है, ये कब और कैसे आपने ये स्टार्ट किया? तहरीक मिनहाजुल कुरान से मेरी वाबस्तगी जो है ना 2005 से हुई, जब स्कूल लाइफ में हम थे उस वक्त, फिर कॉलेज लाइफ में चले गए, वहाँ पे फिर मैंने जो है तहरीक मिनहाजुल कुरान की जो स्टूडेंट फोरम है, मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट्स, उसको अंदर मैंने जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी को संभाला। फिर जनरल सेक्रेटरी के बाद उस जिम्मेदारी को निभाते हुए फिर मैंने जो है MSM के सदर की जिम्मेदारी पे फायज हुआ, फिर उसको बहुबी अंजाम दिया, फिर कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, फिर हम यूथ में आ गए, तो फिर यूथ की जो है तंजीम इनकी मिनहाजुल कुरान यूथ लीग्स, उसमें जो है मैंने सदर की जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया। फिर उसी के साथ सफ़र तय होता होता आज जो है इस मकाम पे पहुंच गया कि तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील सरायमगीर का प्रेजिडेंट मुंतखब। और मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के मुख्तलिफ फोरम्स हैं, ठीक है। उसमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो फोरम है वो बहुत एक्टिव है। हर कुदरती आफात आती हैं, जैसे आपका मौजूद जलजला आता है, सैलाब आता है, और भी इस तरह के कोई मसाले होते हैं, तो मिनहाजुल कुरान पेश दर होती है, सबसे आगे होती है, और इन जगहों पे जाके वहाँ पे जो भी उनको ज़रूरत होती है वो उनकी पूरी करती हैं, ठीक। उसके बाद जो है फिर इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, जितनी भी गरीब बच्चियाँ होती हैं या गरीब बच्चे होते हैं जिन शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, तो मिनहाजुल कुरान उनके सारे जो है जहेज़ के अखराजात, खाने पीने के, और फिर उनको रोज़गार की सहूलत दी जाती है, उनमें उनको रोज़गार भी मुहैया किया जाता है। और फिर तालीम के शोबे में मिनहाजुल कुरान बहुत आगे जा रही है, स्कूल कॉलेजेस हैं इसके, जिस उसमें यतीम बेसहारा गरीब बच्चे पढ़ते हैं। फिर अगोश का जो है मिनहाजुल कुरान का एक फोरम है, जिसमें तकरीबन 500,000 के करीब जो हैं वो बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और डॉक्टर साहब ने खुद उनकी कफाले ली हुई है, डॉक्टर तहरुकारी साहब जो उनकी खुद कफाले को उस वो फोरम को वो खुद देखते हैं, बच्चों की तालीम, बच्चों का खाना पीना रहना सारा वो देख रहे हैं इसमें। हमारे देखने वाले जो हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बहुत ही बड़ा नाम है दीन इस्लाम में, और उनके बारे में आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब की जो दो किताबें हैं ना, एक जो है फितना खारिज दहशतगर्दी हवाले से है, और दूसरा जो है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया, जो 1400 साल की तारीख में पहली दफ़ा किसी आलम मुफक्किर इस्लाम ने लिखी है। मैं चाहूँगा कि इसमें हर आम और ख़ास के लिए ना सबक मौजूद है, तो आप उसको लें, पढ़ें, घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ।